राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक नेम सिंह बहेलिया के नेतृत्व में बहेलिया समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में आकर मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों का एक ज्ञापन मंडलायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन के माध्यम से बहेलिया जनजाति विकास मंच ने यह मांग की है कि पुलिस द्वारा उनके समाज का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज की जाति छेमार फकीर अलवी शाह के लोग भीख मांगकर अपना गुजर बसर करते हैं। इस समाज का कोई स्थायी रोजगार साधन नहीं है। इसी समाज के कुछ लोग पुलिस के दलाल बन चुके हैं और पुलिस से हम साथ होकर अपने समाज के लोगों को पुलिस से गिरफ्तार करवाकर अवैध वसूली का कार्य कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर पीड़ित लोग राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच के बैनर के नीचे आकर अपनी मांग कमिश्नर मुरादाबाद के सामने रख रहे हैं। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि पुलिस से इस मामले में बात की जाती है तो वे समाज की महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। ज्ञापन देने वालों में नेम सिंह बहेलिया, मोहम्मद इकराम, अमीर हसन, ओमकार सिंह एडवोकेट, असीम, नाजिम, सोहेल, ताहिर आदि लोग मौजूद रहे। मैं नेम सिंह बहेलिया और राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज मामला ये है कि कुछ इस समाज के कुछ इसी समाज के कुछ लोग हैं जो हमेशा काफ़ी समय से पहले से ही ये लोग जो है पुलिस के द्वारा मिलकर के और लोगों को चुपचाप आकर के रात को उठा के ले जाते हैं। कुछ महिला अगर उस पर एक्शन लेती है तो महिला को पीटा जाता है और पीटने के बाद उनको जो है पुलिस कस्टडी में ना लेकर के कहीं अलग जगह स्थानों पर रखा जाता है और उनसे कहा जाता है उस क्षेत्र के इलाके की सारी वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं अधिकारी लोग हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पे डकैती हुई है, चोरी हुई है, बदमाशी हुई है। और दूसरी बात कि आप लोगों को इन ये जो घटनाएं हुई हैं इसमें घटनाओं में तुमको रख दिया जाएगा, नहीं तो आप एक काम कीजिएगा, आप 10 लाख 5 लाख की वो मांग करते हैं। जो लोग अगर उनको पैसा देने में अगर कामयाब होते हैं तो वो दे देते हैं तो वो छूट जाते हैं, और जो लोग पैसा नहीं दे पाते हैं निर्दोषी लोग हैं उन्हें जो है जेल भेजने का काम करते हैं। ये आज जिस थाने का ये मामला है, जिस जिले का मामला है, ये जिला तुम्हारा रामपुर और तहसील कस्बा बिलासपुर का कल रात को 2 लोगों को उठाया गया। उसके बाद आज रात में भी 6 लोगों को उठाया गया है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ की पुलिस आती है और उठा के उन्हें ले जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोगों को मतलब झूठे सच्चे मतलब धमकियां दे करके पैसे वसूली करने का काम कर रही है, बाकी और कोई मतलब नहीं है। हमारी मांग ये है कि जो उनपे बेकसूर लोगों को जो उठा करके बंद करा जा रहा है, हम ये चाहते हैं जो चंद लोग जो है उन्हें गुमराह कर रहे हैं, हम चाहते हैं उस पे जांच, अगर उन्होंने गुनाह किए तो उन्हें फांसी चढ़ाई जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वो बेगुनाह है। हम चाहते हैं जो पुलिस को गुमराह करके पुलिस को गलत सूचना दे करके और वो चंद लोग जो दल्ले हैं उन पे कार्रवाई करने का काम किया जाए, उनसे पूछा जाए या जिन लोगों को गिरफ्तार करते हैं उनकी जांच की जाए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। आज हम कमिश्नर साहब के पास आए हैं अपनी फरियाद लेकर के, दबे कुचले समाज के लोग हैं, मांगने खाने वाले लोग हैं और इसी देश के मूल निवासी हैं, तो जाहिर सी बात है देश इन्हीं लोगों ने नहीं है, पूरे देश के भारत के लोगों ने ही इस देश को आज़ादी दिलाई है। सबका हक होना चाहिए, सबके अधिकार होने चाहिए, मान और सम्मान की बात है, जी और जीने दो, लेकिन जो लोग गुनाह नहीं करते उनको आप उठा के अंदर कर देते हो, जो बेगुनाह है वो मतलब जो घूम रहे हैं। जाति विकास मंच और भारतीय लोकतंत्र बचाव मोर्चे के समर्थन से ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है और आयुक्त महोदय के द्वारा प्रेषित कराया जाएगा। इसमें बात यह है कि ये मुस्लिम समाज के अधिकतर लोग हैं और ये भीख मांगने का काम करते हैं, इनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं। इनमें ही जो ज्ञापन में जिन लोगों के मैंने नाम नंबर लिखे हैं वो पुलिस से और SOG टीम से मिले हुए हैं, इन लोगों के बीच में से कुछ लोगों को वो उठवाते हैं और उठवाकर
उनका शोषण कराते हैं, पुलिस उन पर दबाव बनाती है कि तुम्हें डकैती, लूट, हत्या आदि केसों में बंद करा देंगे और कई कई दिन तक उनकी पिटाई करी जाती है। जब ये लोग उन्हें छुड़ाने जाते हैं तो उनसे 5 से 10 लाख 15 लाख की मांग की जाती है और इनमें से कुछ महिलाएं अपने पतियों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को छुड़ाने जाती हैं, तो पुलिस और एसओजी टीम और वो दलाल उनका शारीरिक शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण की मांग करते हैं कि हमारे साथ हम बिस्तर हो। तो इस तरह का अत्याचार उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसओजी टीम कर रही है, तो इसके खिलाफ है हमारी मांग है। क्योंकि 21-22 की रात को 2 आदमी बिलासपुर से पकड़े गए, आज रात को 6 आदमी बिलासपुर से पकड़े गए। जो पहले 2 आदमी पकड़े गए थे उसको बताया गया फरुखाबाद की एसओजी टीम ले गई है, और जो 6 लड़के रात पकड़े गए हैं बिलासपुर से, रामपुर से। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि वो निर्दोष हैं, उनको सीख छुड़वाया जाए, और जो ये दलाल हैं जिनके नाम नंबर लिखे हुए हैं, इनके मोबाइल नंबर की और पुलिस की और एसओजी टीम की उच्च स्तरीय जांच करी जाए। अगर इनकी मिली भगत है तो पुलिस वाले हों तो उनको बर्खास्त कराया जाए और इनको जेल भेजा जाए।